एक आदमी महमूद गजनवी के पास अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई थी। फलाह इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा ये मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। शख्स चला गया, महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई, वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा ना वो गद्दा बिछा हुआ, तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है, उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फुलां साहब भी आ गए, फुलां साहब। उसने कहा वो खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहाँ से फटा था, ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे एक एक महीने की तनख्वाह देते, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो मैं बड़ा कारीगर हूँ, बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे बड़े। अहमद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली, उसने बुलाया सब मुलाजमीन को, कहा किसने सिया है? कहा जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बत मैं खुद फाड़ के गया था, तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने। तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए, फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहां ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहना तुसी मेरी जान छोड़ो मुजरम फड़ो पावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते, आप यकीन करें इतने सवालात होते। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस तक। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी माल ने। कहा नहीं सब, कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूं, मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं, आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे इतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पर अमल भी करता हूं, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं,
महमूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया। मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं, उसने कहा नहीं, तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झोंक गई तो दुनिया समझ गई, कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बदयानत हो गया, चल चला जा निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानते बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्हां लिए तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे। उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी, वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। ओ भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई तो कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तू काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है, रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियां साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा, ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई थी, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अली रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो कभी बद्यांती ना करना, कभी, ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया यहाँ तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, वहां तो रहना है और सहना है।